नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रोशन परिवार पर कंगना की बहन का आरोप, सुनैना को मार कर कर दिया बेहोश। ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन के सनसनीखेज खुलासे के बाद हर रोज एक नया बयान सामने आया है। इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब सुनैना रोशन से जुड़ी कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत की बहन रंगोली आ गई। रंगोली ने सुनैना के हालात को लेकर चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि रोशन परिवार ने सुनैना की लाइफ को नर्क बना दिया है, वो उसे घर में कैद करके रखते हैं। रंगोली ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए नया खुलासा किया है। की रंगोली ने ट्वीट में लिखा, बीते महीने से सुनैना लगातार कंगना को फोन कर रही है, वो उससे बात करती है और बहुत रोती है। मीडिया से बात करने के बाद से ही उसका फोन बंद आ रहा है। उसने मुझे बताया था कि परिवार सिर्फ उसे मारता ही नहीं, बेहोश तक कर देता है। मैं बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। बता दें कि कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल का ये ट्वीट कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगातार सुनैना रोशन जिस तरह से अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही है वो रोशन परिवार के लिए हैरान कर देने वाला है। रंगोली चंदेल ने 20 जून को एक ट्वीट करते हुए बताया था कि सुनैना रोशन का फोन बंद आ रहा है, पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, मुझे सुनैना की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सुनैना रोशन ने बीते दिनों परिवार पर रोजाना का खर्च बंद करने के साथ उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड को आतंकी बताने का आरोप लगाया था। जो मैंने घर वालों को बॉयफ्रेंड रुहेल अमीन के बारे में बताया तो राकेश रोशन ने थप्पड़ मारा था। सुनैना रोशन की तरफ से फिलहाल बीते दो दिनों से कोई भी नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब उनका र्यूमर्ड मुस्लिम बॉयफ्रेंड सामने आ चुका है। सुनैना रोशन के बॉयफ्रेंड रुहेल अमीन ने इस पूरे विवाद में कहा, किसी की पहचान के चलते उसे आतंकवादी कह देना अस्वीकार्य है, धर्म और निवास स्थान चरम पद को परिभाषित करने वाली चीजें नहीं है। बता दें कि रुहेल से पूछा गया कि ऋतिक ने भी सुजैन खान से शादी की थी तो यहाँ दिक्कत किस बात की है। इस पर उन्होंने कहा कि यहाँ आप फर्क को साफ देख सकते हैं। बहरहाल अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कंगना रनौत की बहन के लगाए गए रोशन परिवार के आरोपों के बाद ऋतिक और राकेश रोशन की तरफ से क्या कुछ सफाई सामने आती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।